नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेप्सिको की सीईओ इंद्रा नुई को सलाहकार परिषद में दी जगह। भारतीय मूल की हैं नुई। ट्रंप की जीत पर नुई ने जताई थी चिंता। अमेरिका में मैनहट्टन के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लांगून मेडिकल सेंटर की इमारत में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुनिया के 10 ताकतवर लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल। फोर्ब्स ने जारी की लिस्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शीर्ष पर तो वही डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे स्थान पर मिली जगह। बीएमआई रिसर्च का दावा, भारत की नोटबंदी से सुस्त पड़ सकती है नेपाल की अर्थव्यवस्था। वित्त वर्ष के दौरान विकास दर घटकर 2.2% रहने का अनुमान जताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिस्र में हुए आतंकवादी हमले पर जताया शोक। कहा, आतंकवाद के सभी तरह के प्रारूपों का विरोध करता है चीन। आतंकवादियों ने काहिरा के गिरजाघर को बनाया था निशाना। चीन में दूसरे बच्चे के लिए लाखों महिलाओं ने शरीर से निकलवाए गर्भ निरोधी उपकरण। सरकार ने दशकों पुरानी एक बच्चे की नीति में दी थी छूट। संतानोत्पत्ति क्षमता की घटती दर और बढ़ती बूढ़ी जनसंख्या का सामना कर रहा है चीन। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।